सोनभद्र के ओरबा रेणुकोट में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से मुर्दवा स्थित राधा कृष्ण मंदिर गुंजयमान हो गया। इसके साथ दक्षिणांचल के इकलौते कृष्ण मंदिर पर कृष्ण कथा का आगाज हो गया। 3 दिनों तक होने वाली इस कथा के लिए दूर दराज से कलाकारों का एक दल मंदिर परिसर में आ गया है। जन्माष्टमी पर मंदिर को भी संचालकों द्वारा भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर की सजावट के लिए पश्चिम बंगाल से फूलों की एक बड़ी खेप मंगाई गई है। इसके साथ ही विभिन्न थानों और चौकियों पर भी इस आयोजन को लेकर तैयारियों का दौर गुरुवार को चलता रहा। मंदिर का आकर्षक बनाने के लिए पूरे परिसर को झलारों से सजाया गया। इसके लिए मंदिर के ट्रस्टी ने कड़ी मेहनत करके उसे भव्यता प्रदान की है। मंदिर के 1 किलोमीटर के पराधी में वाराणसी शक्ति नगर मार्ग मेले के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ मेले में झूले, विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल, खिलौनों के स्टॉल समेत तमाम दुकानों को पूरी रात चलाने की व्यवस्था भी की गई है। सोनभद्र के तमाम प्रांतों से सटे होने के कारण इस मंदिर की काफी मान्यता है। इसके बाद नगर उंटार स्थित 32 मान के सोने के बंशीधर के मंदिर को भी महत्व मिलता है। हालांकि मुर्दवा स्थित इस मंदिर को देखने के लिए मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत प्रदेश के कई शहरों के लोग जन्माष्टमी पर दर्शन के लिए यहां उमड़ते हैं। मंदिरों को सजाने के लिए बंगाल के फूलों को लाया गया है। मंदिरों का भव्य रूप देने के लिए मिर्जापुर से सजाने वालों को बुलाया गया है। मंदिर को देखने के लिए जाम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। कृष्ण कथा बांचने के लिए काशी से स्वामी सचितानंद अपनी टोली के साथ यहाँ कथा का रसपान भक्तों को करा रहे हैं। मंदिर के ट्रस्टी गोपाल सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर की सजावट में कोई कमी नहीं रही गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल पिछले साल से भी अधिक मंदिर को भव्य रूप दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है। तो आप यहाँ मंदिर में क्या हैं? मंदिर स्वामी शुद्धानंद आश्रम ट्रस्ट का मैं सचिव हूँ। तो हर साल की भांति यहाँ आपकी जन्माष्टमी मनाया जाता है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इसके? हर साल भगवान कृष्ण का जन्मदिवस आता है, उसके उपलक्ष्य में हम हर साल कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। यहाँ पे जन्माष्टमी पे कई प्रदेशों से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग आते हैं यहाँ पे। तो क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था तो प्रशासन के जिम्मे है। चौकी इंचार्ज साहब, थानाध्यक्ष, CO साहब सभी लोग लगे हुए हैं। SDM साहब की भी देखरेख चल रही है। और बाकी जो फूल का डेकोरेशन है, फूल का डेकोरेशन के लिए कलकत्ता से फूल मंगाए गए हैं, और डेकोरेशन करने के लिए लोग मिर्जापुर ज़िले से आए हुए हैं। बिजली के डेकोरेशन के लिए भी मिर्जापुर ज़िले से आए हुए हैं। सारा सामान बिजली का जो मिर्जापुर ज़िले से आया हुआ है। लगभग कितने लोग यहाँ आते हैं? यहाँ 2 दिन का मेला रहता है। इस मेला क्षेत्र में लगभग 2 दिनों में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग पार कर जाते हैं, 1 लाख से ज़्यादा दर्शन करते हैं। ये मेला आप कितने दिनों से लगा रहे हैं, मतलब कितने सालों से ये लग रहा है? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 1972 में हुई है। इसका नींव 1969 में पड़ा था, लेकिन 1972 से यहाँ पे अखंड कीर्तन चल रहा है और तभी से जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है कि या कुछ अलग मतलब है? ये भगवान के जन्मोत्सव की एक विशेष व्यवस्था ही की जाती है कि शाम को जो हमारे यहाँ सत्संग हाल है, उस सत्संग हाल में शाम के 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भजन का कार्यक्रम चलता है। श्रद्धालुगण बैठ कर उसे सुनते हैं। 12 बजे रात में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। खीरे में से भगवान शालिग्राम को प्रकट करके उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। 12 बजे रात के बाद यहाँ पे सिंघाड़ा और धनिया, सिंघाड़े और धनिया का विशेष स्पेशल प्रसाद जो है सारे भक्तों को वितरण किया जाता है। इसके बाद ठीक 15 दिन बाद माँ राधा का भी जन्मदिन आता है, जो इस साल 6 तारीख को पड़ रहा है, 6 सितंबर को। तो हमारे यहाँ उसके बाद जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी भी मनाई जाती है। क्या नाम है आपका? वीर बहादुर सिंह मेरा नाम है। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? हम यहाँ 20 साल से आ रहे हैं भैया, हर साल जन्माष्टमी में। तो ये क्या पहले के और जन्माष्टमी और आज के क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क भैया। क्या यहाँ पे श्रृंगार अलग हो जाता है, पहले सजावट इतना नहीं होता था, अब सजावट बहुत ज़्यादा होता है। पहले इतने लोग नहीं आते थे, आज यहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलता है। 10 बजे रात के बाद से तो यहाँ पे खड़ा होने का जगह नहीं बचता इस मंदिर में। अच्छा, पर इतनी भीड़ होने का कारण क्या है? एकलौता मंदिर ऐसा है जो इस इलाके में कहीं नहीं है इस तरह की व्यवस्था। किस इलाके की बात आप करना चाह रहे हैं? पूरे सोनभद्र, पूरे उत्तर प्रदेश में
ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। मथुरा वृंदावन को छोड़ देंगे आप तो ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ चाहेंगे हम कहना चाहेंगे, हम वैसे तो रोज यहाँ आते हैं, 24 घंटा यहाँ कीर्तन होता रहता है और हम भी साथ में बैठ के करते हैं और यहाँ की इतनी सुंदर साज सज्जा देख करके मन करता है कि बस यहीं रहें और यहीं आसपास ही बस जाएं। कितने साल से आप आ रही हैं इस मंदिर में? 2-3 साल से आ रहे हैं, 2 साल से लगभग। तो 2-3 साल में आज जो जिस हिसाब से जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, पहले और अब में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? काफ़ी तरक्की हुआ है, साज सज्जा में हुआ है और भीड़ तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, दूर दूर से पूरे गांव-गांव से लोग आते हैं यहाँ। तो जो व्यवस्था की गई आप उससे संतुष्ट हैं? जी जी, बहुत संतुष्ट है, सब कुछ व्यवस्था अच्छा है, शांति से सब मेला वोला लगता है, सब कार्य शांति से बीत जाता है। माता जी आपका? मेरा रीता नाम है, रीता श्रीवास्तव। आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं मंदिर घूमने आई हूँ, 30 साल हो गया, इससे पहले मैं आई थी, लेकिन आज आई तो बड़ा खुशी हो रहा है, बहुत पब्लिक है, पहले इतना भीड़ भाड़ नहीं होता था यहाँ, लेकिन आज देख रहे हैं तो चारों तरफ भीड़ भीड़ दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन भी अच्छा है, डेकोरेशन तो बहुत फर्स्ट क्लास का है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।